नमस्कार, न्यूज क्लिक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर दुबे। LGBTQI इस महीने को यानी जून को प्राइड मंथ के तौर पर मनाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, प्राइड यानी गौरव यानी अभिमान यानी खुद पर नाज करना, और मंथ यानी महीना, प्राइड मंथ। लेकिन प्राइड मंथ को इतने उत्साह से मनाए जाने के पीछे का आखिर कारण क्या है? LGBTQI समाज ही इसे इतने उत्साह से क्यों मनाता है, और इस समाज की आखिर क्या मांग रहती है? और आज के दौर में ये समाज देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर आखिर क्या चुनौतियां झेल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हमारे खास मेहमान गौरव जी के साथ बातचीत में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि LGBTQI समाज जो जून के महीने को प्राइड मंथ के तौर पे मना रहा है, आखिर ये क्या है, प्राइड मंथ क्या है, इसे आप हमारे दर्शकों को समझाइए। साथ में ये भी बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसमें आप लोगों की दरअसल मांगे क्या रहती हैं। तो प्राइड मंथ का जो इतिहास है, तो उसको थोड़ा समझने के लिए हमें 1969 में चले जाना होगा। और ये अमेरिका का बात है, तो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक पब होता, अभी भी है, स्टोन वॉल करके। तो उस पब और उसके आसपास के पब में भी तो गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल लोग जाते थे और ट्रांसजेंडर्स लोग जाते थे। हाँ, जो पुरुष होते थे महिला के वेशभूषा पहन के जाते थे, तो ट्रांस सेक्सुअल भी आप कह सकते हैं, ट्रांस वीमेन भी कह सकते हैं, तो वो लोग जाते थे। तो पुलिसी रेड होता था, पुलिस आते थे, पुलिस उनको परेशान करते थे, बोलते थे ये सब कानून के खिलाफ है, ये है वो है। तो एक बार क्या हुआ, एक रात जून के महीने में वो लोग ऐसे ही पब में थे, तो पुलिस आए और पुलिस रेड शुरू किया। तो तभी एक ट्रांस वुमन पर्सन, उन्होंने अपना हाथ में एक शॉट ग्लास था, वो दीवार में चिपके हुए आईने में, आईने की तरफ फेंकती है और चिल्ला के कहती है कि मेरा ये सिविल राइट है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं एक पब में जाके दारू पी सकती हूँ। इससे क्या हुआ, एक तरह का क्लैश शुरू हुआ है, हुआ था पुलिस के, पुलिस वर्सेस क्वेयर कम्युनिटी के। तो नेक्स्ट डे दो तीन दिन से बहुत सारे क्वेयर कम्युनिटी के लोग उधर आए और पुलिस के साथ उनका छोटा मोटा क्लैश होता रहा। तो इसको बहुत सारे लोग स्टोन वॉल रायट के हिसाब से कहते हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ कि ये रायट है। रायट एक काफी भारी शब्द है, मैं बोलूंगा पुलिस के साथ इनका क्लैश हुआ। पर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर एक साल बाद अमेरिका में जन्म लिया गे लिबरेशन मूवमेंट, और उन्होंने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया था स्टोन वॉल राइट को ध्यान में रखते हुए, कि एक साल के पूरा होने में वो लोग सोचे थे कि हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मार्च करेंगे और बोलेंगे हमारा अधिकार है ये, जैसे भी हम है। गे लिबरेशन मूवमेंट के तहत जो हुआ, एक मार्च को एक रूप मिला, एक चेहरा मिला कि हम लोग जून के एक पर्टिकुलर दिन में, जून के महीने में एक पर्टिकुलर दिन में अगर हम मार्च निकालेंगे तो वो उस दिन को वो अपना दावी, जो भी उनका डिमांड्स है, जो भी उनका कहना है, उसको रखने के लिए। तो ये एक ग्लोबल इतिहास रहा। पर हम देखते हैं कि प्राइड मार्च हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, ऐसा नहीं कि जून के महीने में भी होते हैं। हमारे देश में जून का महीना मतलब गर्मी का महीना, बरसात का महीना। कुछ कुछ जगह पे प्राइड मार्च चलता है जून के महीने में, कुछ कुछ जगह पे, जैसे दिल्ली में, दिल्ली क्वेयर प्राइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली में प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं, वो नवंबर में करते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे जगह पे प्राइड मार्च ऐसा नहीं कि जून के महीने में ही होता है, वो दूसरे महीने में भी होता है, पर जून का महीने का एक सिग्निफिकेंस तो है,
जो स्टोन वॉल के साथ जुड़ा हुआ है और एक लंबा इतिहास रहा इसका, जहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग अपने डिमांड्स को सरकार के पास बहुत अच्छे से रखते हैं जून के महीने जी। या प्राइड मार्च का जो मेन इतिहास है वो तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है जी। पर आपका जो प्रश्न है कि बाकी लोग भी जुड़ते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, ये सब एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग क्यों करेंगे, तो वो बात तो सही है। हम लोग भी मानते हैं कि बाकी जो हम बोलते हैं कि जो एलजीबीटी क्यूआई एलाई है वो भी आए हमारे साथ, पर ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि प्राइड एक पॉलिटिकल चीज है, एक राजनैतिक आइडेंटिटी है। प्राइड मार्च का मतलब ये नहीं कि आप रंगीन पोशाक पहन के मेकअप करके आप सज धज के मार्च में निकल जाएंगे कार्निवल की तरह। ये कार्निवल तो है पर कार्निवल पॉलिटिकल है। हम प्राइड मार्च में वो सारे चीज कर सकते हैं जो हमें कार्निवल में भी कर सकते, जो एक सरकार के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म हो, जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इनके अगेंस्ट भी, इस इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में भी एक हम लोग पॉलिटिकल मैसेज देते हैं प्राइड के प्राइड मार्च के थ्रू। धारा 377 खत्म कर दी गई, उसके बाद भी आप लोगों की दरअसल क्या मांगे हैं? देखिए धारा 377 जो चला गया वो तो एक लीगल एस्पेक्ट है, हाँ कानून के हिसाब से वो धारा नहीं रहा। तो आप, मैं अगर समलिंगिक पुरुष हूँ तो आप मुझे पुलिस के पास लेके नहीं जा सकते क्योंकि 377 धारा नहीं है। पर लीगल एस्पेक्ट को छोड़ के एक होता है आपका सोशल एस्पेक्ट, क्या मेरा परिवार मुझे अपनाता है, क्या मेरा दोस्त मुझे अपनाते हैं, क्या मेरे कर्म क्षेत्र जो है जहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ क्या वो मुझे मेरे कॉलीग्स मुझे ठीक से मेरे साथ बर्ताव करते हैं, तो एक सोशल एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरी है। हाँ तो वो जरूरत बहुत है एक सोशल एक्सेप्टेंस का। तो लीगल तो एक हमारे पास एक लीगल प्रोविजन आ गया, कोई अगर मुझे समलिंगी पुरुष बोल के कोई अगर मुझे कुछ करना चाहे तो मेरे पास एक लीगल हथियार है कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं तुम मेरे को ऑपरेस नहीं कर पाओगे। पर सोशल एक्सेप्टेंस तो बहुत जरूरी है। तो हमारा मांगे जो भी हम मांगते हैं उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि सोशल अवेयरनेस करना। एक तो लीगल अवेयरनेस आ गया है पर आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म्स अभी निकल रहे हैं, तो एक सोशल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। साफ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार ने भले ही धारा 377 को हटा दिया हो, लेकिन अभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर या समाज में इन चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो वही है कि अभी इसके लिए क्या आप लोगों ने कुछ, जैसे फिल्मों की बात कर लें तो पहले तो होता था कि इन सब चीज़ों पे पहले की फिल्मों में देखा जाए तो चुटकी ली जाती थी, हंसी मजाक होता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी फिल्मों के माध्यम से तो कम हुई हैं क्योंकि जो मेन स्ट्रीम फिल्मों के कुछ अभिनेता थे अब वो भी बड़े पर्दे पर आकर के इन चीज़ों को एक समाज के तौर पर, जागरूकता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लेकिन हाँ एक बात ये भी सही है कि उन फिल्मों को देखने के बाद इंसान फिर से उसी रूप में ढल जाता है जैसा वो समाज में रहना चाहता है दरअसल उसको, अब या ये कह लीजिए कि उसको ढलना पड़ता है, तो ये तो एक बहस का विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्में हैं इनसे जो समाज में चीज़ें परोसी जा रही हैं जागरूकता के लिए, क्या ये किसी तरीके से कारगर हैं? देखिए फिल्म थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लाता है कि कौन सा फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म क्वेयर इश्यूज में बन रहे हैं, छोटे शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शायद वो सही तरह से नहीं बन रहे हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत एक रिसेंट फिल्म का नाम आ रहा है, हिंदी फिल्म बधाई दो जी। तो अगर ये फिल्म देखा जाए तो ये फिल्म शायद बॉलीवुड में एक ऐसा फिल्म है जिसका कंटेंट बहुत सही है, एकदम बहुत सही तरह से ये फिल्म दिखाया। हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में लैवेंडर मैरिज, मैरिज ऑफ कॉन्वीनियंस, तो ये फिल्म मैरिज ऑफ कॉन्वीनियंस के लेके फिल्म है। पर इसमें आप देखिए कि यूपी का एक छोटे से टाउन का, शहर का
एक परिवार का लड़का और एक परिवार की लड़की दोनों किस तरह से अपने परिवार के सामने आते हैं कि वो लोग समलिंगिक है जी, किस तरह से वो लोग इसको टैकल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एलजीबीटी लड़ाई जो इंडिया में हो रहा है वो अभी भी शहर केंद्रित है, शहरों में ही होता है जी वो सारे समलिंगिक दोस्तों का क्या है जो लोग गांव में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जिनके पास नौकरी करके घर से निकल के अलग जगह रहने के लिए वो उनके पास साधन नहीं है, तो उसको हम किस तरह से उनको देखेंगे। तो बधाई दो वैसा फिल्म है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि दोनों ही बहुत फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पर उसके साथ साथ वो ये भी दिखाते हैं कि छोटे शहर के लोगों को हम कैसे इसकी चीजों में मतलब इनके साथ बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग उसको सोचेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग उस ट्रांजिशन में रहेंगे, पर कहीं ना कहीं पे बात तो छेड़ना शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से फिल्म इम्पोर्टेंट है, पर सही फिल्म मतलब सही कंटेंट होना बहुत जरूरी है। जी आपके बिल्कुल, कंटेंट में ऐसा नहीं, जैसे आपने पहले बोला कि फिल्मों में जो किरदार होते थे एलजीबीटी के वो जनरली वैम्प के हिसाब से दिखाया जाता था, या मतलब इविल कैरेक्टर या फनी कैरेक्टर कॉमेडी के हिसाब से दिखाया जाता था, तो उससे तो काफी आगे आ चुका है बॉलीवुड के फिल्म्स, पर और फिल्म्स बनना जरूरी है क्योंकि फिल्म्स एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे लोग समझ सकते हैं, पर फिल्म्स के बाद बात करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल फिल्म देखेंगे, मैं बधाई तो देखने गया था हॉल में दो बार, तो एक बार तो और एक बार मैं बनारस में गया था देखने, तो लोगों ने बोला अरे ये होता नहीं है हमारे देशों में, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है, ये सब तो मना के कर रहा है, अरे ऐसा नहीं, लोग हंस रहे थे कुछ लड़के फिल्म देखते हुए, पर वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो फिल्म देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ एग्जिस्ट करता है, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो फिल्म बनना बहुत जरूरी है, पर सही कंटेंट का फिल्म बनना जरूरी। भारत के अलावा दुनिया के स्तर पर किस तरह की चुनौतियां आप देख पा रहे हैं इस समाज के लिए? एक तो है मैरिज को लेके, बहुत सारे साथी जो है वो मैरिज चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे हम लोग हैं जो हम लोग मैरिज के अगेंस्ट में भी है, पर पहले तो एक अधिकार हाथ में आए समलिंगिक शादी का, विवाह का, तो एक वो है, वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है ये लड़ाई, एक नंबर वन ये है। सेकेंड है आपका एडॉप्शन सरोगेसी, ये थर्ड है आपका कहीं पे भी आप लड़ाई करने जाएंगे या कहीं पे भी आप लड़ाई के भागीदार होंगे तो आपके पास पैसा होना जरूरी है, मतलब आपका दो वक्त का रोटी दाल आपको मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना जरूरी है, तो काम हमें मिलता है कि नहीं, अगर काम मिल रहा है तो उस काम में क्या हम लोगों को सेम वेज मिल रहा है कि नहीं। हम लोग देखते हैं पूरे दुनिया में ही लड़का और लड़की में वेज इक्विटी या इक्वालिटी नहीं होता है। हाँ, लड़का पुरुष को एक तरह का तनख्वाह मिलता है, औरतों को एक तरह का तनख्वाह मिलता है, बड़े बड़े एमएनसीज में भी ये होता है। उस जगह पे कोई एमएनसी अगर एक एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग को नौकरी दे रहे तो क्या उसका तनख्वाह भी सेम है बाकी लोगों की तरह, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन तो सेम है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये हमें हम लड़ाई करते हैं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ही ये सब लड़ाई हो रहा है। एक चीज और भी हो रहा है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हमारे बहुत सारे एलजीबीटी साथी है जो एचआईवी पॉजिटिव या एड्स के बीमारी से जा रहे हैं, बहुत सारे साथी है जो ट्रांजिशन में जा रहे हैं, उनको हार्मोन लेना पड़ता है अगर वो मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल हो रहे हैं, तो ये सारे जो साथी लोग हैं इनके इलाज के लिए क्या हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं पूरे दुनिया भर, तो ये सारे चीजों को लेके हम लोग थोड़ा बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, हम सरकार के पास जाते हैं। बड़ी चुनौतियां हैं सर। एक आखिरी एक, क्योंकि LGBTQI का जो झंडा होता है बहुत खूबसूरत होता है, तो इसके साथ ख़त्म करेंगे कि आखिर वो उसके झंडे में तमाम रंग होते हैं,
तो ऐसा क्यों सर कि मतलब बहुत इतने रंगों से भरा हुआ एक झंडा, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या प्रतीक है इसका ये? देखिए, एक लंबा इतिहास है, तो मैं जी आपको जी पूरा इतिहास नहीं बताऊंगा अभी। जी तो शॉर्ट हमारा में फ्लैग आप। पहले ऐसा हाँ नहीं था, जी फ्लैग काफी दूसरा किस्म के फ्लैग था। पहले तीन रंगों का फ्लैग था, हाँ, ट्राई कलर वाला था, उसमें पिंक कलर थे, उसमें ब्लैक कलर थे। पर अभी क्या हुआ कि वो फ्लैग बदलता गया, और एक जी टाइम आया जब एक आदमी ने उसको एक रूप दिया, ढांचा दिया कि सतरंगी रंग का। पर आप देखिएगा कि एलजीबीटी फ्लैग में सात रंग की जगह छह रंग है। हाँ, ओके जो अच्छा सातवां रंग गायब है, क्योंकि वो रंग का कपड़ा बहुत कीमती है था तब खरीदने के लिए, तो वो रंग नहीं खरीद पाया पाया जी गया, क्योंकि कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। तो जी इसे छह रंगों का है, पर अब छह रंग के साथ दूसरे रंग भी जुड़ता है, जैसे पिंक रंग कभी कभी जुड़ता है, अभी ब्लैक रंग जुड़ रहा है। तो इसका ब्लैक रंग का जुड़ने का मतलब ये है कि पीपल ऑफ कलर, जो आपके ओके लैटिनोज है, अफ्रीकन अमेरिकन्स है, या साउथ ईस्ट एशियन है, हाँ, ये जो डिफरेंट लोगों का जो मिश्रण है, जो अमेरिका में वो लोग जब एलजीबीटी प्राइड में आते हैं, तो वो अपने साथ ये कलर्स भी लेके आते हैं। तो हर रंग का तो हम सतरंगी सपना बोलते हैं, सतरंग देखने में बहुत सुंदर है, हाँ, रेनबो, तो इसलिए फ्लैग है। पर फ्लैग में कलर अभी चेंज भी हो रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, तो जुड़ना बहुत अच्छा है। जितने रंग जुड़ेंगे उतने अच्छे होंगे, और भी रंगीन होगा ये पूरा फाइट हमारा। तो फ्लैग का एक अलग इतिहास रहा है, और अभी भी फ्लैग धीरे धीरे बदल रहा है। गौरव जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और न्यूज़ क्लिक के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।